जयंत, आप सभी को नमस्कार। मैं यशवंत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल यशादो फिटनेस पे। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये शोल्डर वर्कआउट है जो बिगिनर और इंटरमीडिएट बाई मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जैसे शोल्डर में डंबल प्रेस वर्कआउट हो गया, इसमें जो गलतियाँ बिगिनर इंटरमीडिएट करते हैं छोटी छोटी, उसके बारे में देखिए और सीखिए। मैं 4 वर्कआउट लूँगा और आपको वर्कआउट करके दिखाऊंगा, और जो छोटी छोटी मिस्टेक है इसको करके दिखाऊंगा और आप लोग इसको सही करिए और वीडियो देखिए। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और मेरे साथ एक मेरे भाई हैं जो वो वर्कआउट करेंगे, मैं उनके ऊपर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सो मैं दिखाता हूँ, तो वर्कआउट शुरू करते हैं, बन रही है वीडियो के साथ। सो गाइस, पहला वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे भाई का नाम आसिफ है। सो पहला वर्कआउट लेंगे हम डंबल प्रेस सीटिंग में। सो भाई, आप डंबल लो, रेपिटेशन रखना। देखो, ओके, चलो शुरू करो। स्टार्ट, वन। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं, ये भाई का एल्बो देखो और डंबल पूरा रेंज, फुल रेंज। एल्बो अपनी ज़्यादा आगे भी नहीं आनी चाहिए और ज़्यादा पीछे भी नहीं, और फुल रेंज में बैक टाइट रखना, चेस्ट अप रखना, चेस्ट आउट। ओके, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। ओके, शाबाश, शाबाश, ओके, डन। सो देखो, आप प्रॉपर करो, एल्बो ऊपर आ जाओ। जी हाँ, ये एल्बो इसी रेंज में रहेगी आपकी, ज़्यादा पीछे भी नहीं आएगी, ज़्यादा आगे भी नहीं आएगी, और रेंज आपका पूरा फुल रहेगा ऊपर। ये हाँ, ये गुड, साहस, ओके। तो इसी रेंज में आप करना, और ज़्यादा एल्बो साइड में लेना, ज़्यादा आउट नहीं लेना, और चेस्ट अप रखना, पूरा फुल रेंज रखना, और रेपिटेशन रेंज रखना 12 to 15। सो अपना ये पहला एक्सरसाइज हो गया, अब हम सेकेंड लेंगे, लेटरल। ओके, सो गाइज, अपना सेकेंड एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लेटरल। लेटरलाइज लेंगे हम डंबल से। सो प्लीज देखो, आप भाई को देखना। ओके, स्टार्ट, वन, टू। बिल्कुल, आप ये इनका रेंज देखो और नीचे, और ज़्यादा बॉडी भी मूव नहीं हो रही है और बहुत अच्छे से हो रहा है वर्कआउट, ज़्यादा ये पीछे भी नहीं जा रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन भी बहुत अच्छा है। सो ऐसा ही करना है, ज़्यादा एल्बो हमने खोलना भी नहीं है और ज़्यादा बिल्कुल क्लोज भी नहीं लेना है। सो ओके, डन, स्टॉप, ओके। सो देखो आप, सो जैसे मैं भाई का एल्बो ऐसा था तो ऐसे ही करना है। अब एक बार जरा कम, ओके। सो ये जैसे भाई का था, इनका पोजीशन भी अच्छा है, ज़्यादा इनका पीछे भी नहीं जा रहा और खुल नहीं भरा और इन भी नहीं आ रहा, और रेंज ऑफ मोशन भी अच्छा है, बॉडी ज़्यादा आगे भी नहीं आ रही है, पीछे भी नहीं आ रही है। सो पोजिशन बहुत अच्छा था। सो ऐसे ही आपने करना है। ओके, डन। सो गाइज, हम लेटरल का ही सिटिंग में लेंगे, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था डंबल प्रेस, वो हमारी डेल्टेड को, तीनों मसल को मतलब टारगेट करता है, आपका इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। और जो हम लेटरलाइज करते हैं वो मेनली लेटरल को टारगेट करता है। अब हम जो सेकेंड एक्सरसाइज लेंगे लेटरल का, वो हम सिटिंग में लेंगे। स्टैंडिंग में थोड़ी सी बॉडी मूव हो सकती है, बट सिटिंग में ज़्यादा बॉडी मूव नहीं होगी, तो ये मेनली लेटरल लेटरल मसल को टारगेट करता है। सो सिटिंग में हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए भाई, सेम रेपिटेशन रखिएगा और सेट आप रख लीजिएगा 4। सो देखो, ओके, 1 2 3 4, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो देखो आप, रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज लेटर, जो सिटिंग में। स्टैंडिंग में तो आप बॉडी थोड़ा मूव हो सकता है। ओके ब्रो, स्टॉप, ओके। सो देखो, रेंज ऑफ मोशन, और ये ज़्यादा बाहर भी नहीं है, एल्बो इतने पे रखिए और नीचे लेके जाइए, और ज़्यादा एल्बो पीछे भी नहीं लेके जाना है, और बॉडी को पीछे भी नहीं लेके जाना है, और ज़्यादा आप बहुत हल्का सा आगे लेके जा सकते हो, बिल्कुल पीछे नहीं। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज हमारी हो गई, अब हम थर्ड एक्सरसाइज लेंगे। सो थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर। तो गाइज, हम थर्ड एक्सरसाइज लेंगे।
फ्रंट, ये मेनली जो हमारे डेल्टॉइड के मसल को, जो हमारी इंटीग्रल की जो मसल है उसको टारगेट करता है। रेपिटेशन रेंज सेम रखेंगे, और बाकी हम मैं आप लोगों को पोजीशन और कैसे होता है रेंज ऑफ मोशन वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, भाई करेंगे और आप लोग देखिए। सो शुरू करते हैं प्लीज। ओके सो डम्बल रख लेना आप ऐसे, ये पूरा जो आपके इंटीरियर मसल है पूरा आपको ये टारगेट करेगा आपकी इंटीरियर मसल को। सो जो ये इंटीरियर मसल है जो दिख रहा होगा भाई कर रहे होंगे, रेंज ऑफ मोशन ये रखना, ज़्यादा आप मूव भी नहीं करना और ज़्यादा आप आगे भी नहीं आना। सो ऐसे ही आप करिए, एल्बो देख लो, एल्बो की पोजिशन देख लो और हाथ कैसे जा रहा है और बॉडी कितनी मूव हो रही है कितनी नहीं। सो ऐसे करना है आपको, रेपिटेशन रेंज रखना है आपको वही 12 to 15। सो देखो ये जो आपको टारगेट करता है अपने इंटीरियर डेल्टॉइड की जो इंटीरियर मसल है उसको टारगेट करता है, एल्बो अपने हमने ऐसे ही रखना है, थोड़ा सा इन लेके जाना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, आप लाइक भी रखें, एल्बो पूरा सीधे भी नहीं रखें नहीं तो आपको यहाँ पे पेन हो सकता है, और ऐसे रखें और ऐसे ही करें जो आप इंटरमीडिएट और बिगनर हैं। सो अपना हम अब चौथा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके सो गाइज, अब हम फोर्थ चौथी एक्सरसाइज लेते हैं। हम लोग लेंगे बारबल सक्स, जो मेनली अपने ट्रैप्स को टारगेट करता है और एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपने ट्रेपेजियस के लिए। सो ब्रदर प्लीज स्टार्ट। सो देखो ग्रिप ले लो आप। ओके हाँ, चेस्ट अप हल्का, हम हल्की बहुत हल्की बॉडी डाउन लेंगे, ज़्यादा आप अपने पूरा ऊपर, और ये मेनली आपके ट्रैप्स के लिए है और ट्रैप्स अच्छा सा टारगेट हो जाता है। सो आप देखिए। ओके ओके ओके, अब एक बार फ्रंट में ले लेंगे। ओके अब आप लोगों ने एक बार बैक व्यू देखा था, अब एक बार आप लोग फ्रंट व्यू देख लो। सो आप लोगों को दोनों साइड से पोस्चर समझ में आ जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं। पूरा आप ये जो ट्रैप्स है पूरा ऊपर लाइक नीचे डाउन, ज़्यादा आप लोगों को स्टैंडिंग में सीधे नहीं खड़े होना है जैसे। ओके 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 डन। सो गाइज ये था आज का हमारा वर्कआउट, और हमने शोल्डर का वर्कआउट किया जो अपने डेल्टोइड के मसल को और ट्रैप्स को हमने वर्कआउट के चार, और बाकी वीडियो देखिए और कैसे लगा, और अच्छी एक्सरसाइज करिए और मन से करिए। Hello everyone, just come here to India for about a month and I'm a Bulk Gym. This one buddy was really good experience with these guys and working out, getting bulk and great trainer. Great trainers here and subscribe his channel. His name is Yaswan Bhai. Very happy from these guys. I mean, if you guys come from USA anywhere, visit him. Great experience and great personality. Very honest, very nice. So happy. Thank you. Okay, भाई, thank you. Appreciate it. बहुत अच्छा लगा हमें भी भाई के साथ वर्कआउट किया और अलग अलग एक्सपीरियंस साझा किया। भाई भी बहुत अच्छे और बहुत ग्रेट पर्सन है। सो इनके साथ वर्कआउट साझा किया, बहुत कुछ इनको सिखाया और कुछ सीखने को भी मिला। सो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। ओके सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहूँगा। सो आप सभी के लिए एक बार और जय हिंद। सो ओके।